मध्य प्रदेश के गुना में भीषण सड़क दुर्घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख। हादसे में 12 लोगों की झलकर हुई थी मौत। अमरोहा जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी ने विकास खंड गंगेश्वरी के डड़ियाल में चारागाह की भूमि पर अवैध कब्जे का किया निरीक्षण। उप जिलाधिकारी को फोर्स के साथ जमीन को खाली कराए जाने के दिए निर्देश। चांदपुर में ट्रैफिक पुलिस ने नशे की हालत में वाहन चलाने वाले वाहन चालकों की ब्रेथ एनालाइजर से की जांच। ड्रिंक एंड ड्राइव में कई चालकों के किए गए चालान। मुरादाबाद में कोरोना का केस मिलने से हुआ पूरा स्वास्थ्य महकमा सतर्क। जिससे आगे कोई समस्या पैदा न हो, इसीलिए जिला अस्पताल, सीएचसी केंद्र, सामुदायिक केंद्र आदि में किए गए पुख्ता इंतजाम। धामपुर में वीर बाल दिवस के अवसर पर गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा से निकाली गई विशाल रैली। विशाल रैली का अनेक स्थानों पर किया गया स्वागत। अमरोहा में खेत में मिले तेंदुए के दो शावक पकड़कर गोद में उठाकर ले गए ग्रामीण। सूचना पर पुलिस और वन विभाग की टीम गांव पहुंची और शावकों को अपने साथ ले गई। अमरोहा जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी ने रहरा सीएचसी का किया औचक निरीक्षण, जिसमें स्टाफ रजिस्टर का अवलोकन करने पर बड़ी संख्या में सीएचओ व अन्य स्टाफ अनुपस्थित मिले। मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद के बैनर तले जनपद के राशन डीलरों ने अपने कमीशन 200 रुपये प्रति कुंतल की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। राशन डीलरों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी के कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। नहटोर थाना क्षेत्र के नसीबपुर गांव में जंगल में दौड़ता दिखाई दिया गुलदार। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। गुलदार दिखने से गांव में मचा हड़कंप। बिजनौर में द्वितीय सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के अंतर्गत गौरी शंकर ठाकुर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी बिजनौर द्वारा मार्ग पर प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान ओवर स्पीड से वाहन न चलाने के प्रति किया गया जागरूक। ओवर स्पीड वाहनों के प्रति प्रवर्तन की कार्यवाही भी की गई। चांदपुर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राम अर्ज। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने कोबरा मोबाइल पुलिसकर्मियों को किया ब्रीफ। चेकिंग के दौरान संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों को किया चेक। संभल में घने कोहरे में गन्ने से लदी ट्रोली से टकराई एम्बुलेंस। बाल बाल बचे एम्बुलेंस चालक व परिचालक। संभल पुलिस ने निजी वेयर हाउस से हुई करीब 7 लाख रुपए की खाद की लूट का किया खुलासा। पुलिस ने 3 लाख कैश, 1.5 लाख की खाद, तमंचे, चाकू व कैंटर सहित 3 लुटरों को किया गिरफ्तार। अमरोहा में एक युवक का चलती कार की ड्राइविंग सीट से उठकर स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। पुलिस वीडियो के आधार पर मामले की जांच में जुटी। मुरादाबाद में मंडल आयुक्त कार्यालय पहुंचे क्रिकेटर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी। प्रशासनिक अधिकारियों ने शोल ओढ़ाकर और ट्रॉफी देकर किया सम्मानित। बिजनौर पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन ने थाना शहर कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक को लापरवाही बरतने
और अभियुक्त के विरुद्ध नियम अनुसार विधिक कार्रवाई नहीं करने के कारण तत्काल प्रभाव से किया निलंबित, जबकि नजीबाबाद की सराय चौकी प्रभारी और दो सिपाहियों को किया लाइन हाजिर। मुरादाबाद के थानाकांठ क्षेत्र के मल्लीवाला गांव में दंपति का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। पुलिस ने पति पत्नी के शव को पोस्टमार्टम को भेजा और विधिक कार्यवाही में जुटी। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कौन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल,